इंडेक्स नंबर देखिए देखिए इंडेक्स नंबर में जो 36 नंबर का एग्जाम्पल है वो देख लीजिए. 36 एग्जाम्पल क्वेश्चन 36 नंबर का देखिए आपको आर्टिकल्स दे दिए. आर्टिकल आर्टिकल है आपका ए बी डी और ई ठीक है. और फिर आपको आर्टिकल दे दिया फिर आपको प्रश्न में दे रखा है बेस ईयर. देखिए बेस ईयर और बेस ईयर में दे दिए प्राइस प्राइस दे दी प्राइस और प्राइस दे दी 6, 2, 4, 10 और 8 और आपको टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया. यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर है 300, 200, 240, 300, 320. उसके बाद आपको दे दिया टोटल वैल्यू. फिर यहां पर आपको दे दिया करंट ईयर. कौन सा ईयर दे दिया? करंट ईयर. और करंट ईयर में यहां दे दिया आपको क्या? टोटल वैल्यू. और टोटल वैल्यू आपको दे दी कितनी? 560, 240, 360, 360, 288, 436, 436 और 432 आपको वैल्यू गिवन है. 432 और यहां पर आपको दे दी क्वांटिटी. ये आपका प्रश्न है. क्वांटिटी आपको दे दी देखिए 56, 120, 60, 24, 36. ये पर ठीक है. देखिए इंडेक्स नंबर से जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें आपका फिशर इंडेक्स है. फिशर आदर्श सूच का फिशर आइडियल इंडेक्स का क्वेश्चन सबसे अधिक बार एग्जाम में पूछा जाता है फिशर वाला. क्लियर है? ठीक है. तो देखिए फिशर में किस प्रकार से क्या है आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए और उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक टाइम रिवर्सल फैक्टर और एक आपका समय उत्क्रमायकता परीक्षण और एक होता है तत्व उत्क्रमायकता परीक्षण. टाइम रिवर्सल फैक्टर और एक तो टाइम रिवर्सल और दूसरा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. दो टेस्ट होते हैं. तो देखिए इसमें भी पूछा है. एक तो आपसे क्या पूछा है इसमें? फिशर का आदर्श सूचकांक. फिशर का आदर्श सूचकांक और ये पूछा है कि तत्व उत्क्रमायकता परीक्षण को संतुष्ट करता है. देखिए ये जो फिशर का है वो पूछ रहा है कि तत्व उत्क्रमायकता परीक्षण को संतुष्ट करता है. ये पूछा है तत्व उत्क्रमायकता में क्या निकालना है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. क्लियर? क्या निकालना है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. देखो अब सबसे पहले मैंने यहां वापस डाला क्या? आर्टिकल. देखिए आर्टिकल डाला.
अब सबसे पहले तो आपको अच्छे से क्या आनी चाहिए, टेबल परफॉर्म करना आनी चाहिए, ठीक है। किस प्रकार से, क्या देखिए, आर्टिकल है और आर्टिकल आपका ए है, बी है, सी है और डी है और ई है, ये प्रश्न था आपका, ठीक। उसके बाद आपको बेस ईयर होता है, क्या होता है, बेस ईयर लिख दीजिए, और बेस ईयर की जो प्राइस होती है ना उसको माना जाता है पी जीरो, क्या माना जाएगा, पी जीरो, और बेस ईयर की जो क्वांटिटी होती है उसको माना जाएगा क्या, क्यू जीरो, क्लियर, क्या माना जाएगा, क्यू जीरो। तो देखिए ये आपकी प्राइस तो यहां दे रखी है 6, 2, 4, 10 और 8, लेकिन आपको प्रश्न में क्वांटिटी नहीं दे रखी है। तो देखिए यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है और प्राइस दे रखा है, तो इस जो टोटल एक्सपेंडिचर में आप क्या कर दीजिए, प्राइस का भाग दे दीजिए, 300 डिवाइड बाई 6 50, 200 डिवाइड बाई 2 100, 240 डिवाइड बाई 4 60, 300 डिवाइड बाई 10 30 और 320 डिवाइड बाई 8 ये 40। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, क्वांटिटी मेजर कर लेंगे, क्वांटिटी आ गई और अब वो आपकी क्या होगी, क्यू जीरो हो गई, क्लियर होगी बात। अब आपका यहां जो करंट ईयर है, करंट ईयर, ठीक है, और करंट ईयर देखिए आपको टोटल वैल्यू दे रखी है और यहां पर आपको क्वांटिटी दे दी, तो क्यू वन आपको क्या है प्रश्न में दिया हुआ है, क्यू वन आपको दे रखा है, क्यू वन, और देखिए क्यू वन दे रखा है 56 120 60 24 और 36। अब आप क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है इस टोटल वैल्यू में क्वांटिटी का भाग दे देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। तो देखिए प्राइस और वो आ जाएगी आपकी पी वन, क्या आ जाएगी, ये ध्यान रखना, बेस ईयर को क्या माना जाता है, पी जीरो क्यू जीरो, और करंट ईयर को क्या माना जाता है, पी वन क्यू वन, क्लियर। अब देखिए इसमें इसका भाग दिया तो ये आ गई 10, 100, इस 240 में 120 का भाग दिया तो 2, 6, 6, 288 डिवाइड बाई 24 12 और 432 डिवाइड बाई 36 12, ये आपका ये टेबल बन गई है आपकी। पहले अब आप क्या करेंगे, एग्जाम में प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए यहां लिख दीजिए फिशर का आदर्श सूचकांक, किसका, पी जीरो वन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा पी वन क्यू जीरो बटा सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू सिग्मा पी वन क्यू वन बटा सिग्मा पी जीरो क्यू वन इंटू 100। ये आपका क्या होगा, फीसर का आदर्श सूचकांक होगा। अब यहां पर देखो पी वन और क्यू जीरो है पहले, तो आप यहां पर निकालेंगे पी वन और क्यू जीरो, फिर आपका है पी जीरो और क्यू जीरो, तो पी जीरो और क्यू जीरो, फिर आपका है पी वन क्यू वन और फिर आपका है पी जीरो क्यू वन, ठीक, क्लियर हो गई बात। तो देखिए पी वन, पी वन आपका ये रहा और क्यू जीरो आपका ये रहा, तो ये आ गया आपका 500, 200, 360 और 480, तो इसका आ जाएगा पी वन और क्यू जीरो का योग कीजिए, देखिए 500 प्लस 200 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 480 1900, ठीक। अब पी जीरो और क्यू जीरो, देखिए पी जीरो क्यू जीरो, तो ये आ गया आपका 300, 200, 240, 300, 320,
इसका भी टोटल पी जीरो और क्यू जीरो, इसका टोटल कर लीजिए 300 + 200 + 240 + 300 + 320 1360। अब P1 और Q1, देखिए P1 और Q1 560 240 360 360 12 × 24 288 और 36 × 12 432। तो इसका टोटल होगा P1 और Q1 इक्वल टू 432 + 260 + 240 + 560 + 1880 P0 Q1 P0 Q1 P0 Q1 तो 6 × 56 336 240 240 240 और 24 × 10 240 और 36 × 8 288। इसका टोटल करेंगे तो P0 Q1 हो जाएगा और टोटल देखिए 288 + 240 + 240 + 240 + 336 + 1344। देखिए वापस टोटल सही होना चाहिए 336 + 240 + 240 + 240 + 288 = 1344। अब देखो वैल्यू पुट कर दीजिए अंडर रूट 1900 / 1360 × 1880 / 1344 × 100 इक्वल टू अंडर रूट 1900 × 1360 = 1.397 ठीक है × 1880 / 1344 = 1.3988 × 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 100 से अंडर इनटू कर दिया × 3.397 और इसका मैंने अंडर रूट निकाला ठीक है तो ये आ गया 1.398। क्लियर इनटू अंडर रूट निकालने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से तो × 100 तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 139.8 इसका आंसर।
देखो टाइम रिवर्सल फैक्टर कैसे क्या होगा, तत्व उत्क्रांतिता। देखो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, टेस्ट ठीक, इसका मैंने आपको बताया था पी जीरो वन इक्वल टू क्यू जीरो वन इक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू वन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो, ये बराबर होंगे दोनों इधर वाले और इधर वाले, तो आपको आपका ये क्या होगा फैक्टर रिवर्सल टैक्स को संतुष्ट करेगा। अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या था, इसका मतलब मैंने बताया था, देखो सिग्मा पी वन क्यू जीरो सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू सिग्मा पी वन क्यू वन बटा सिग्मा पी जीरो क्यू वन ठीक, इसका मतलब तो, और इसका मतलब मैंने ये बताया था इंटू, इसी में देखो इसको तो इधर ले लेंगे और ये वाला इधर आ जाएगा, तो सिग्मा पी जीरो क्यू वन बटा सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू ये आपका इधर आएगा पी जीरो नहीं वो तो सर ऐसे कैसे पी वन क्यू वन और ये आ जाएगा P1 Q0 भाई ये तो इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, बाकी ये दोनों सेम ही रहेंगे इसमें। ठीक है क्लियर, देखो वापस देख लीजिए इक्वल टू सिग्मा पी वन क्यू वन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो ये बराबर होना चाहिए। ठीक देखो ये फीसर का सूचकांक अपना ऐसा का ऐसा था, इस फीसर में से आपको अगर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट निकालना है तो इधर वाला इधर ये दोनों तो वैल्यू सेम रहेगी इधर वाली और इधर वाली, इनको इंटरचेंज करना है आपको, क्लियर हो गई बात। ठीक है अब देखिए यहां पर मान रख दीजिए इसी में 1900 1360 इंटू 1880 1344 इंटू 1900 1880 नहीं नहीं इंटू 1880 इधर आएगा आपका 1334 होगा ना, ये आएगा सेम 1360 तो ये 1344 तो ये तो आएगा 1900 और यहाँ आएगा 1344 आएगा। ठीक क्लियर, और इधर आपका आ जाएगा P1 का मान कितना है, वहां पर P1 Q1 का मान 1880 और P0 Q0 होगा 1360। ठीक ठीक है, तो इसमें बचा आपका क्या, यहां तो आ गया 1880 और ये आया 1360 और इसमें बच गया 1880 डिवाइड बाई 1360 इंटू 1880 डिवाइड बाई 1360 दो वैल्यू है, क्लियर है। ठीक है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गई तो एक वैल्यू बचेगी आपकी, देखिए देखो
यहां 1880 में भाग दो, देखो इसको आप ये भी लिख सकते हो 1880 डिवाइड बाई 1360, भाई एक अंडर रूट से गई तो एक बची, और इधर कितनी आ गई 1880 डिवाइड बाई 1360। तो ये दोनों इधर और इधर, ये दोनों क्या आ रहा है आपका, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है ये आपका कौन सा टेस्ट फॉलो हो रहा है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पूरा कर रहा है। देखिए नेक्स्ट 36 नंबर का देखिए, 36 37 सबसे पहले दे दिया ईयर, एक तो आपको दे दिया देखिए कॉमोडिटी, और कॉमोडिटी दे दी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कॉमोडिटी मिल गई। कॉमोडिटी में ईयर 2008 दे दिया, और 2008 को आप 2014 2018 ठीक है, 2014 को आपको को क्या मानना है, एक तो प्राइस दे रखी है और एक आपको क्या दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है। इसकी भी आपको क्या दे रखी है, प्राइस, और इसकी क्या दे रखी है, क्वांटिटी। ये आपका प्रश्न है ठीक है। आप देखिए प्राइस दे रखी है, तो प्राइस आपको दे रखी है 5, 8, 6, 5, 8, 6, तो क्वांटिटी 10, 6, 3 ठीक है। फिर इसकी दे रखी है 4, 7, 5 और क्वांटिटी ये दे रखा है प्रश्न ठीक। अब इसमें वही अपना फीसर का आइडियल इंडेक्स, तो अपना फीसर का आदर्श सूचकांक क्या था, सिग्मा पी वन क्यू जीरो, सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू सिग्मा पी वन क्यू वन, सिग्मा पी जीरो क्यू वन इंटू 100, ये सूत्र था। अब यहां पर ये जो प्राइस है ये तो पी जीरो, ये क्वांटिटी क्यू जीरो, ये पी वन, ये क्यू वन। अब सबसे पहले आपका P1 Q0 आएगा, क्या आएगा, उसके बाद आपका P0 Q0, फिर आपका P1 Q1, फिर आपका P0 Q1 ठीक। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 है और Q0 है, तो ये आ गया आपका 40, 42, 35, टोटल कर दीजिए सिग्मा पी वन क्यू जीरो का 40 + 42 + 35 इक्वल टू 117। फिर पी जीरो क्यू जीरो 50, 48, 18 इक्वल टू 116 आ गया। पी वन क्यू वन, पी वन और क्यू वन 48, 49 और ये 20, तो सिग्मा पी वन क्यू वन इक्वल टू 117। पी जीरो क्यू वन, पी जीरो और क्यू वन
साठ, छप्पन, चौबीस। छप्पन प्लस चौबीस प्लस 140, ठीक। अब मान रख दीजिए कितना, 117 डिवाइड बाई 116 इंटू 117 डिवाइड बाई 140 इंटू 100। तो 117 डिवाइड बाई 116 ये आ गया 1.008 इंटू 117 डिवाइड बाई 140 ये आ गया 0.1214 इंटू 1.008 और इसका अंडर रूट। सर क्या आपने मिस्टेक कर दी, जब ये P1 और जो P0 पांच से पंद्रह आएगा तो पांच को पॉइंट कर दिया, पांच P1 और Q0 है ना, Q0 पंद्रह आएगा ये, तो इसका टोटल आपका